नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर से उपचुनाव होने हैं। एनबीसी हिंदी की टीम ने ग्राउंड जीरो के क्षेत्र से मतदाताओं से बातचीत की। मतदाताओं ने कहा, उपचुनाव सरकार बनने या बिगड़ने का चुनाव नहीं है, इस बार उपचुनाव में व्यक्ति विशेष का चुनाव होगा। बातचीत में सभी लोगों ने निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह को जिताने की बात की। एनबीसी हिंदी ने वजह जानना चाहा तो पता चला कि धनंजय सिंह हमेशा क्षेत्र के लोगों के हर सुख दुख में खड़े रहते हैं, इसलिए धनंजय सिंह को सभी जाति संप्रदाय के लोगों का समर्थन मिल रहा है। सभी मतदाताओं ने एनबीसी हिंदी के कैमरे के सामने निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह का खुला समर्थन किया। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। हम इस समय नौकरवा बाजार में खड़े हैं और 3 तारीख को यहाँ पर उपचुनाव का मतदान होना है। जो पहले पारसनाथ यादव समाजवादी पार्टी के यहाँ विधायक थे, उनके निधन के बाद 3 तारीख को उनकी जगह उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी से लकी यादव और निर्दल से धनंजय सिंह, बीजेपी से मनोज सिंह, ऐसे तमाम प्रत्याशी हैं, सीधे यहाँ के जनता से जुड़ते हैं कि इस बार किस तरह का माहौल है। ये बताइए, क्या नाम है आपका, क्या माहौल है इस बार? हमारे यहाँ माहौल देखो, लकी यादव धनंजय सिंह दोनों का है, 19-20 की लड़ाई है, लेकिन हम लोग वोट जो भी देंगे धनंजय सिंह को ही देंगे, क्योंकि हमारे प्रत्याशी वो अच्छे हैं, जो भी काम होता है बिना स्वार्थ के वो काम करते हैं। दो बार से यहाँ पर पारसनाथ जी यहाँ काबिज थे, ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज होगा धनंजय सिंह के लिए? धनंजय सिंह के लिए चैलेंज कोई बात नहीं है, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं। जब भी कोई काम आएगा, एक फोन अगर कर दो, कोई गरीब मसीहा कर दे, तो तुरंत उसका काम हो जाता है, और इनके पास जाने से कोई काम नहीं होता। समाजवादियों का यह पूरा गढ़, ऐसे में धनंजय सिंह के लिए जीत पाना कितना आसान होगा? बहुत ही आसान है जितना हो। क्या ऐसा क्या किया धनंजय सिंह ने जो आप उनको वोट देंगे? ऐसा कोई भी काम हो बताए, जैसे पूरे मल्हनी विधानसभा में जितने भी नल लगे हैं धनंजय सिंह के अलावा बाकी कोई नहीं है, जितने भी सड़कें हैं धनंजय सिंह के अलावा कोई भी नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग हैं और गांव के, इनसे बात करिए। बताइए, क्या नाम है आपका? विकास। इस बार उपचुनाव का क्या माहौल है? उपचुनाव में लड़ाई सपा और निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह के बीच में है, जिसमें धनंजय सिंह को हम लोग वोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य काफ़ी किया हुआ है। यहाँ पे गरीबों के यहाँ जो पानी पीने की सारी सुविधाएं हैं उन्हीं के द्वारा की गई हैं, गांव-गांव में सड़कों का निर्माण उनके द्वारा मतलब इंटरलॉकिंग कराया गया है, और विकास का दूसरा नाम धनंजय सिंह। समाजवादियों का एक गढ़ है, ऐसे में धनंजय सिंह के लिए जीत पाना कितना आसान होगा? धनंजय सिंह के आने से काफ़ी जात पात की जो लड़ाई थी यहाँ पे, हाँ, जाति दृष्टिकोण ये खत्म हुआ है। इनके आने से कहते विकास के लिए इस बार मतदान होगा, क्योंकि कहते मल्हनी में चुनाव होने से न यहाँ पे राज्य सरकार न केंद्र सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा। इससे कहते यहाँ पे हमारा कहना है, कहते धनंजय सिंह को वोट किया जाए, जिससे क्षेत्र का बहुमुखी विकास हो। हमारे साथ कुछ लोग और, इनसे बात करिए। ये बताइए, क्या नाम है आपका? इस बार उपचुनाव का क्या माहौल है? उपचुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है। इस समय जो है दो ही प्रत्याशी हैं, लकी यादव, धनंजय सिंह, इन्हीं में फाइट है, लेकिन धनंजय सिंह का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। ऐसे क्या काम कार्य किए हैं धनंजय सिंह ने जो आप समर्थन कर रहे हैं? काम यही समझिए, जब से माननीय विधानसभा हुई है तब से हमारे सपा के विधायक थे, अभी तक जो है विकास कार्य रुक गया था। ये अब जो है अभी बेलापार में हाल की ही बात है, 6 महीना हुआ, ट्रांसफार्मर जला था, अभी उन्होंने ट्रांसफार्मर दिया धनंजय सिंह, 1-1.5 महीने पानी ढो ढो थक गए, अभी जल्दी में ही किए हैं बेलापार, और उनके आने से विकास जो है बढ़ेगा और लोगों को बहुत मदद करते हैं, कोई भी रहे जाते हैं तो उनको जो है मदद करते हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या माहौल है इस बार? माहौल धनंजय सिंह का है, सभी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं। समाजवादियों का गढ़ है, यहाँ पर सबसे अधिक वोट दर्शक नहीं का है, क्या जाति पे पड़ेगा कि विकास में पड़ेगा? विकास विकास पे पहली प्राथमिकता आपके धनंजय सिंह है, तो यहाँ पर क्षेत्र की जनता सीधा सीधा कहना है कि यहाँ पर विकास के नाम पर ही वोट दिया जाएगा, जात पे नहीं दिया जाएगा। ऐसे में धनंजय सिंह यहाँ काफ़ी टॉल पड़ रहे हैं। जौनपुर से देवेंद्र खड़े।